नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार एक वीडियो में नजर आ रहे हैं, जी हां, अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जहां पर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए। इससे यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। रणनीति जो है उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। लगातार बीजेपी नेता जो भी हो उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जब से आजमगढ़ और रामपुर की सीटें सपा से छीनी गई हैं, बीजेपी ने छीनी है, बीजेपी ने वहां पर अपना परचम लहराया है, तब से अखिलेश यादव बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी के नेताओं को मौका मिल गया है अखिलेश यादव पर वार करने का, जहां पर अखिलेश यादव अब उन नेताओं पर बोलते हुए नजर आए, उन नेताओं पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं, उन पर वार करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप कौन, आप क्या बोल रहे हैं, आप कौन हैं, और हम अपनी पार्टी जो है, हम अपनी पार्टी से अब काम करके दिखाएंगे, और आपकी पार्टी ने अभी तक क्या काम किया है ये बता दीजिए। मतलब 5 साल को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया है, इनडायरेक्टली सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आरोप लगाए हैं। कई सारी ऐसी चीजें हैं जब बीजेपी को लेकर समाजवादी पार्टी बोलती हुई नजर आती है कि आखिर इन 5 सालों में बीजेपी ने किया ही क्या है, आगे के 5 साल जो है आप हमें दीजिए, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो है अपनी हार से कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव पर जो वार किया है बीजेपी की तरफ से वो यही हुआ है कि अखिलेश यादव को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उन पर आरोप लगाया है कि उनका यही हाशड़ होगा, जिस तरह से अपने गढ़ को लेकर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे लेकिन कुछ काम नहीं किया। यानी कि अखिलेश यादव ने जो है रैलियां नहीं की, अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें जो है बड़ी हार उन्हीं के गढ़ से मिली। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया गया है। अब अखिलेश यादव ने किस तरह का पलटवार किया है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में सामने आ रहे। इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां अखिलेश यादव लगातार जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखें और उसके साथ बताएं कि किस तरह से अखिलेश यादव जो है क्या वार कर रहे हैं बीजेपी पर, किस तरह का वार कर रहे हैं। तो पहले देखिए ये वीडियो। सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सदस्यता पहुंचे, पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और जरूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है, उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है, उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। पार्टी ने अभी तय नहीं किया है लेकिन शहर, गांव और घर पहुंचने की तैयारी होगी समाजवादी पार्टी की। सदस्यता का अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद संगठन पुनः बनेगा। ये लगातार समाजवादी पार्टी का ये लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। आजमगढ़
वो समीक्षा अभी आपके सामने नहीं, केवल अभी समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, यही कार्यक्रम लगातार चलेगा। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़कर के गए, और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है, और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलू मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलू मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए समाजवादियों के स्टेडियम को ही जाना पसंद करते हो, उन पर कौन सी उपलब्धि है। मेरी जानकारी में नहीं है, अभी आधा अधूरा हो रहा होगा उद्घाटन, आधा अधूरा उद्घाटन हो रहा होगा। ये तो हमारे जागरूक पत्रकार बता पाएंगे कि लुलू मॉल किसकी देन है। अगर ये सच बता पाए तो हम मान जाएंगे इनको। नहीं, आप नहीं बता रहे, दूसरे एक पत्रकार साथी हैं। सदस्यता अभियान चलेगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे कि कितने सदस्य बने हैं और किस एज के सदस्य बने। नहीं, ऐप लॉन्च नहीं किया, ऐप हमारे पास है पहले से।
ऐप को बनाना या ऐप के साथ जोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा कि ऐप को लॉन्च कर दें। कहो तो अभी ऐप डिस्प्ले कर दूं मैं। नहीं, उसमें अंतर कैसे हो सकता है, क्योंकि आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं और आप केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्म एक सा है और जो पैसा देना है वो भी एक सा है। मौजूदा संख्या अभी हमारे जानकारी में नहीं है, पूरा हम डेटा आपको दे देंगे, क्योंकि पिछली बार जो सदस्यता का चला था अभियान उसमें बहुत सारे सदस्य हमारे, क्योंकि डिजिटली हमने नहीं किया था, केवल गिनती कर करके रख लिया था, इस बार पूरा डिजिटलाइज कर करके आपको डेटा दे देंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप ये भी जानना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बना, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको बता दें। ये हमारी आपकी, क्योंकि आज जब लखनऊ के लोग बने हैं, मेरे बाएं से लेकर के दाएं तरफ जितने लोग बैठे हैं ये चुनाव लड़े हैं। मान लीजिए हमारे बगल में सोनी नगर लड़े, 1 लाख लगभग वोट मिला इनको। गोमती यादव 1,24,000 वोट पाए, नहीं जीत पाए। तो इन्हीं को जिम्मेदारी दे रहे हैं और इसके साथ साथ संगठन बन जाएगा, संगठन को भी जिम्मेदारी लगातार मिलेगी, इसलिए सदस्यता बड़े अभियान में चलेगी। नहीं, आज तो ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़े हैं और जीते हारे दोनों हैं। इसके बाद आप समय समय पर देखेंगे कि जिनकी 18 साल उम्र पूरी हुई, या कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई जो सदस्य बनना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कोई सदस्य बनना चाहे। तो ये एक एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है, वो चलता रहेगा। मैं भी निकलूंगा और जगह जगह गांव जाऊंगा, चिन्हित करके गांव जाएंगे, जिससे कि गांव तक हमारे लीडरशिप जाए और सदस्य बनाए। ये शिकायत व्यक्तिगत है, मैं इसको दूर करूंगा। ये शिकायत व्यक्तिगत है, दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूं, कोई नाराज है। ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। कोई कोई कई बार राजनीति पीछे से ऑपरेट होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी ने सदस्यता का कार्यक्रम शुरू किया है, लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के सभी लीडर, सभी पदाधिकारी जो पूर्व में थे, वो गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग खुद गांव में जाएंगे, बैठेंगे और सदस्य बनाएंगे। सदस्य बनाते समय पार्टी की नीतियों, कार्यक्रम और पार्टी की उपलब्धियों को भी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। तो जब हमारे पास वो नोटिस आ जाएगा उसका जवाब दे देंगे। कुछ पता नहीं आज के समय में, कुछ पता नहीं। कुछ बोलना भी खराब है, अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो रहा है भाई। बीजेपी ने यही प्रचार तो किया था, हमें बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों ने जानकारी दी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा। तब तो चुनाव भी खत्म हो गया राष्ट्रपति वाला। इस डाटा बनाने के साथ साथ कम से कम जाति जनगणना का भी डाटा बना दें। वो भी कब होगा, वो भी एक बड़ी चीज हो जाएगी सरकार की, बड़ी उपलब्धि होगी ये। अभी हमें लोकतंत्र बचाने दो और सदस्यता अभियान चलाने दो।
टीम कुछ नहीं नए पुराने साथ आएंगे। नहीं, ये सवाल अच्छा भी और बुरा भी है आपका। जाति गणना इसलिए होनी चाहिए कि कई बार बहुत आरोप लगते हैं दूसरे लोगों पर और हर समाज के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोग कि आप आबादी में इतने, आपका हक छीना जा रहा है, कोई कह रहा है किसी का हक छीना जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है और इस पर कई बार कई मौकों पर बहस हो चुकी, लोकसभा में भी बात रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार को काम करने का, नीतियां बनाने का और उन तक उपलब्धियां पहुंचाने में आसानी होगी। आज तो चुनाव नहीं है, आज अभी चुनाव नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए, कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डेटा सेंटर में क्या होगा, क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप? इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा लें। नहीं, बीजेपी अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी में डेटा है कि नहीं। सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। इस ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट के साथ क्यों ना हो? उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर की बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हां जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हाँ हाँ, अच्छा मर्यादा का ध्यान रखा इसीलिए तो कुछ नहीं कह रहे। लगातार इसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।